Yeah, it's okay. It's not that amazing. They have tried to do the work like how Bhansali does it. They have tried to go up to the mark of like Bhansali, but it couldn't stand up to that. So, honestly speaking, Pirates of the Caribbean का Indian version बनाने की कोशिश की गई जिसमें miserably fail हुए हैं. When you have two legends like Amitabh Bachchan and Aamir Khan presenting on screen, तो आप एक अच्छा content expect कर सकते हो. But film में कुछ खास दम नहीं है. लोग आराम से बैठे हुए थे, ना कोई excitement है. सिर्फ Amitabh Bachchan जी के entry पे काफी कुछ हल्ला हुआ था theater में. Aamir Khan की entry भी कुछ खास नहीं थी. बहुत अच्छी लगी. बहुत टाइम से वेट कर रहे थे दिवाली के टाइम की ये मूवी रिलीज होगी, क्योंकि इसका उतना प्रमोशन नहीं हुआ था, बट देयर वाज लॉट ऑफ हाइप गोइंग ऑन प्रिंट मीडिया में अबाउट दिस मूवी. पिक्चर बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आया. अमिताभ और आमिर खान को देखने का एक स्क्रीन में दिवाली पे तो बहुत ही मज़ेदार है. ये पहले दिन और पहला शो पिक्चर देखने का मज़ा ही कुछ और होता है, और ये पिक्चर हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे. ठीक है ठीक है ठीक ठीक. अमिताभ Aamir Khan, as always, he has particular taste of selecting a movie. That's why he has taken up this movie. So definitely, he has his own aura. Amitabh ji has an own aura, and I'm amazed by Fatima's acting. Like, she standed out in front of everyone. And of course, Katrina has done very good dancing. Amitabh Bachchan to Amitabh Bachchan hai, lekin but what you hope expected the hype kiya gaya tha? Fatima class. Isse acha hotel mein khana khaya bhi acha. Ek bhi nahi. No music is bas. Khana to bekar hai kuch. अमिताभ बच्चन सुपर डुपर, उनका तो कोई मुकाबला नहीं है. यहाँ के लुक डिफरेंट है वो नो डाउट, लेकिन आमिर खान का कम मुझे वो उस बैटर में लगा जो लगा था आमिर खान की चल रहा था काम. फातिमा तो मुझे A1 लगी. कैटरीना का रोल बहुत सुपर अच्छा था, छोटा रोल था लेकिन बहुत अच्छा था. दोनों की अमिताभ बच्चन तो है ही, जो भी वो रोल निभाते हैं यू जस्ट गेट इन टू दैट. और आमिर खान इज नोन फॉर हिज परफेक्शनिस्ट अप्रोच. एक्टिंग में अमिताभ बच्चन के ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन आमिर खान भी तो लाजवाब है. और दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छा है, और फातिमा सना से की एक्टिंग अच्छी है. कैटरीना कैफ तो बहुत बड़ी स्टार है तो अच्छी होगी ही. काफ़ी अच्छा काम किया. फातिमा को थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. दंगल में ज़्यादा अच्छा काम था, बट यस कैटरीना ने काफ़ी अच्छा काम किया. उनके काम को 4 out of 5. अमिताभ बच्चन का जो रोल है काफ़ी पावरफुल रोल है, काफ़ी दमदार रोल है, तो आप देखोगे वो स्क्रीन में काफ़ी बढ़िया लगते हैं. आमिर खान का बहुत चटपटा और बहुत बढ़िया रोल है. लास्ट फ्रेम तक आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि वो क्या करने वाले हैं, तो दोनों को एक साथ स्क्रीन में देखना और पूरी मूवी में देखना बहुत ही मज़ेदार है. इट्स रियली गुड. इट्स गुड. अमिताभ एंड आमिर एज यूजुअल आर वेरी ग्रेट एक्टर्स. फातिमा हैज इम्प्रेस मी अलॉट विद हर मूव्स. आमिर इज एज यूजुअल यू नो इज ग्रेट एक्टर. Performing very well. Katrina was irrelevant in the movie. Fatima Sana Sheikh has done good. She is looking very beautiful. But in terms of acting, I think she did better in Dangal. This one was a little down. I rated it out 3. सबसे पांच में 3.5 स्टार होते हैं. 3.5 stars. उसको 4 स्टार. 3. 2.5. 3.5. Yeah. 1 star. 3.5. Subscribe to Films of India and click on the bell icon for all the latest Bollywood updates.